तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, कश्मीरी मुसलमानों को लेकर यूएन पहुंचा पाकिस्तान, मोदी पर प्रतिबंध लगाने की है मांग, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरान ने ली मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी, हो सकती है इन पर बड़ी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू बने वसीम रिजवी, जल्द लेंगे संन्यास, अखाड़ा को दान कर सकते हैं अपनी संपत्ति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में वासर बीच में ही रोककर एआईएम सांसद ओवैसी और उनके साथियों ने पढ़ी नमाज, स्पीकर पर दी अजान, राज ठाकरे को ओवैसी ने दे दिया सीधा संकेत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि CAA और NRC के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून लेकर आ रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को दे दी झंडी, कभी भी ला सकती है इस बिल को। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा सांसद आजम खान की बिगड़ी तबीयत, रात 3 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराए गए भर्ती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर के मुसलमानों को लेकर यूएन मोदी सरकार के खिलाफ पहुंचा पाकिस्तान, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको दा दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कश्मीरी मुसलमानों पर हो रही मोदी सरकार द्वारा कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ने यूएन में जाकर मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीरी मुसलमानों का यूएन में मुद्दा उठाया और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार मुसलमानों की आवाज बंद करने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार मुस्लिम विरोधी काम कर रही है और मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है, जो कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे जो है यासीन मलिक को लेकर भी मोदी सरकार को बड़ा झटका पाकिस्तान ने यूएन में दिया और पाकिस्तान ने यूएन में मांग किया कि यासीन मलिक को जबरदस्ती गलत आरोपों में जो है उम्र कैद की सजा मोदी सरकार ने भारत में सुनाई है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के झूठे मुकदमे मोदी सरकार ने लगाए हैं और अपनी मनमानी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर मोदी सरकार कर रही है और यूएन इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे रोके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में कनाडा वेस्ट गैंगस्टर गोल्डी बरार ने मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसे लेकर अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने इस हत्या को अपने भाई की हत्या का बदला बताया है। गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर था। लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राम राम भाइयों सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी वराल लेता है। आज लोग हमें जो भी कहें लेकिन इसने हमारे भाई बिक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया। बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे, जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उनके निशाने पर ये थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संन्यास लेंगे इस्लाम त्याग कर हिंदू बने वसीम रिजवी, अखाड़े को दान कर सकते हैं संपत्ति। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने वाले उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी अपनी संपत्ति अखाड़े को दान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में उनके संन्यास लेने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच रिजवी अपनी संपत्ति की जानकारी जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश के नकलो रवाना हो गए हैं। संतों की तरफ से उन्हें अपने परिवार से एक बार मिलने की अपील की गई थी, मगर रिजवी अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में ज्यादा बाबाओं ने अपील की, उसके बाद वो तैयार हुए और अब वसीम रिजवी नकलो आ रहे हैं और नकलो आने के बाद वह संन्यास लेंगे और फिर बाबा बन जाएंगे और फिर उसके बाद वह अपनी संपत्ति भी जो है अखाड़े को दान करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाषण बीच में ही रोककर एआईएम सांसद ओवैसी और उनके साथियों ने पढ़ी नमाज, स्पीकर पर दी अजान, राज ठाकरे को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को अल्टीमेट दिया था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए गए तो मस्जिदों के बाहर वह हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से करेंगे। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में राजनीति गर्म आ गई। इस बीच एआईएमएम के सांसद असुद्दीन ओवैसी शनिवार की रात मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। ओवैसी का भाषण शुरू हुआ तभी अजान शुरू हो गई। उस वक्त ओवैसी ने अपना भाषण रोककर नमाज पढ़ी, उनके साथ एआईएमएम के बाकी कार्यकर्ताओं ने भी नमाज पढ़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
भिवंडी के परशुराम टावर में ओवैसी की सभा हुई। उनके साथ भिवंडी के इस कार्यक्रम में औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक बारिश पठान भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी के स्पीकर पर अजान और नमाज पढ़ने से राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और ओवैसी ने संदेश दे दिया है कि देश में कोई भी जो है लाउड स्पीकर से अजान नहीं रोक सकता और ना ही हमें नमाज पढ़ने से रोक सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे को ये तगड़ा तमाचा जो है ओवैसी ने दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की बिगड़ी तबीयत, रात 3 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराए गए भर्ती। या दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आजम खान हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं। आजम खान को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। आजम खान की शनिवार देर रात अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें दिल्ली लाया गया। रात करीब 3 बजे आजम खान को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि दोस्तों 27 महीने जेल काटने के बाद आजम खान बाहर से आए हैं। लगभग उन पर 90 केस दर्ज भी हुए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA और NRC के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में मोदी सरकार। राज्य को दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है बिल। या दोस्तों आपको बता दें कि CAA और NRC के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून मोदी सरकार देश में लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल लाने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है और केंद्र की मोदी सरकार अब उत्तराखंड के बाद पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से लाने वाली है। यानी पहले CAA लेकर आई, फिर NRC लेकर आएगी और अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लेकर आ रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आप इस कानून का विरोध करते हैं या समर्थन, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी के निशाने पर आए उद्धव और पवार, कहा चुनाव बाद NCP ने शिवसेना से किया निकाह। यह दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली के दौरान NCP, शिवसेना और BJP पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने रैली में कहा कि विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ओवैसी को वोट मत देना क्योंकि BJP शिवसेना को रोकना है, लेकिन बाद में शिवसेना के साथ गठबंधन करके अपना रुख इन्होंने बदल लिया। भिवंडी में जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमें वोट ना देने की बात की थी, लेकिन अब जो है शिवसेना इनकी दुल्हन बन गई है और इन्होंने हमारे साथ गठबंधन ना करके शिवसेना के साथ गठबंधन किया, जो कि सबसे चौंकाने वाली बात है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो BJP ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल को टिकट। या दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्य में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को फिर से टिकट दिया है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए UP से 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया है। अग्रवाल ने यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर विधानसभा सीट छोड़ी थी। इसके अलावा संगीत यादव, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र नागर और दर्शन सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जयप्रकाश निषाद का टिकट काट दिया गया है। मौजूदा सदस्यों में से केवल सुरेंद्र नागर को ही टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा वार, कहा इस सरकार ने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। यह दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर कहा कि देश के किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसान के सम्मान और हक के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया था तो चौधरी चरणजीत सिंह ने किया। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही किसान खुश रह सकता है। उन्होंने कहा कि आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैसी सरकार भाजपा की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिस रास्ते पर आज भाजपा सरकार ले जा रही है उससे किसान बर्बादी की ओर चले जाएंगे।
भैया आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने लोकतंत्र का सहारा लेते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन भाजपा वाले इसको नहीं समझ रहे हैं और भाजपा वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं।